नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं हरनैन कुमार, आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उद्यमी योजना। उद्यमी बनने के लिए महिलाएं सीख रही बाजार व व्यवसाय का गुर, और ये वीडियो उन फ्रेंड को बेनिफिशियरी होगा जो सभी के लिए है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करने वाले हैं कि आप नए हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं भी इस योजना का पार्ट बनूं, तो इस वीडियो को पूरी देखनी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ जानकारी मिलने वाला है। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है, ट्रेनिंग कितने घंटे तक चलती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। बिहार के लखीसराय जिले में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 36 महिलाएं एवं 37 युवा उद्यमियों का चयन हुआ है। ट्रेनिंग एक संस्था है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र, उसके द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है। जिले में आने वाले दिनों में महिला एवं युवा उद्यमी द्वारा कारोबार का जाल फैलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला एवं युवा उद्यमी योजना के तहत लखीसराय जिले में 36 महिलाएं और 37 युवा उद्यमियों का चयन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा राज्य स्तर पर की गई है। अगर आप बिहार के इस जिले से आप ना भी है फिर भी ये वीडियो आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे आपको ये लगेगा कि चलो भाई यहाँ पे हो रहा है तो मेरे भी तो होगा ना। अगर आपका ट्रेनिंग नहीं शुरू हुआ है, अगर ट्रेनिंग शुरू जब शुरू होगा तो आप एक्साइटेड रहिएगा कि हाँ भाई ऐसा होता है, हम भी ऐसा करेंगे, हम भी ऐसा सीखेंगे, तो एक्साइटेड वीडियो होने वाला है। इन महिलाओं और युवा उद्यमियों को जिला उद्योग विभाग की देख रेख में PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण केंद्र लखीसराय में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं उद्यमी बनने के लिए बाजार और व्यवसाय का गुण सीख रही है। लखीसराय में दो जगह पे ट्रेनिंग किया जा रहा है, एक महिला का ट्रेनिंग अलग हो रहा है और जो युवा है उनका ट्रेनिंग अलग हो रहा है। लखीसराय प्रखंड मुख्यालय स्थित जिला कृषि कार्यालय भवन में महिला उद्यमियों का हो रहा है, तो वहीं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र भवन में युवा उद्यमियों का प्रशिक्षण चल रहा है जो 8 फरवरी तक चलेगा। मैंने पहले भी बता दिया हूँ कि 24 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक ले हो रहा है। 24 फरवरी से लखीसराय में सरकार की उद्यमियों के लिए जारी गाइडलाइन और उद्योग लगाने से लेकर उनके फायदे तक की जानकारी दिया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ अब उद्योग आप लगाइएगा उसका क्या क्या गाइडलाइन होगा वो सारा जानकारी दिया गया है। उनके जो आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस से क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक दिन 6 घंटे तक युवा उद्यमियों की क्लास लग रही है। कितने घंटे तक लग रही है? 6 घंटे तक लग रही है। खासकर पहली बार जो घर से बाहर निकली महिलाएं काफ़ी रुचि लेकर उद्योग स्थापित करने से पहले हर पहलू की जानकारी प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत महिला एवं युवा उद्यमियों को 10-10 लाख रुपए का लोन राज्य सरकार प्रदान कर रही है। ब्यूटी पार्लर से लेकर दर्जन भर लघु उद्योग शुरू होगा। ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 15 दिन तक ले ट्रेनिंग चलेगा, जिसमें 15 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक संतोष कुमार सिन्हा द्वारा उद्यमी बनने के लिए ट्रेनिंग ले रही चयनित महिलाएँ जिले में ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, नमकीन उत्पादन, पेपर कप प्लेट, अगरबत्ती उद्योग, दाल मिल, आटा सत्तू मिल, बेसन उत्पादन, फ्लैक्सी प्रिंटिंग, सीमेंट ब्लॉक एवं टाइल्स सहित एक दर्जन से अधिक प्रकार के उद्योग लगाने की योजना तैयार की है। जबकि युवा उद्यमियों ने पशु आहार, टेंट हाउस, बिजली पंखा असेंबली, बोतल बंद पानी, मिठाई उत्पादन,
ढाबा रेस्टोरेंट तेल मिल मसाला उत्पादन आदि उद्योग लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वास्तव में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपके के लिए बेनिफिट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, मैं मोटिवेट होता हूं, और ताकि मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाकर आपके साथ प्रोवाइड करूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो बनेगा तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। फ्रेंड से हमने बात किया है और क्या बात किया है, तो उस वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के थंबनेल ऊपरी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे आप देखिएगा, कुछ ही देर के बाद शो हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिया गया है, वो लिख दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।